वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तो यार हम लोग कितने मतलबी है, सबको अपने अपने डेवलपमेंट की पड़ी है, कोई देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो चलो अपने आप से थोड़ा सा उठकर अब हम देश और दुनिया की बात करेंगे। अब तुम्हें सुनने में आता रहता होगा कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। तो इसका जवाब है हम कंट्रीज की इनकम को कंपेयर करते हैं, यानी जो कंट्री ज्यादा पैसे कमाती है वो ज्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि पैसों से ही तो सब कुछ मिलता है और एक इंसान की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो इनकम डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। एक कंट्री की इनकम उतनी होती है जितने पैसे उस कंट्री के सारे लोग मिलके कमाते हैं, पर हम कंट्रीज को उनकी इनकम से नहीं बल्कि एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं, यानी उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितने रुपए कमाता है। और एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, और जो हमें मिलेगा इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर होती है इन्हें हम रिच कंट्रीज कहते हैं, और जिनकी $1,045 से कम होती है उन्हें हम पुअर कंट्रीज कहते हैं। और गैस करो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। हाँ तो आंसर है इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1,570। ये 2013 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी। तो ऑलमोस्ट 90% रिच कंट्रीज ही डेवलप्ड कंट्रीज होती है, पर एवरेज इनकम की एक कमी भी होती है, वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। यानी मान लो दो कंट्रीज हैं, दोनों की पर कैपिटा इनकम है ₹5,000। एक कंट्री में ऑलमोस्ट 99% लोग 4,000 से 6,000 के बीच कमाते हैं, तो यहाँ सोसाइटी में पैसे और रिसोर्सेज इक्वली बटे हुए हैं। और वहीं दूसरी कंट्री ये है जहाँ पे 90% लोग ₹500 से भी कम कमाते हैं और बाकी 10% लोग 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ इक्वलिटी कम है और अमीर लोग राज करते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है, पर कंट्री वन ज्यादा अच्छी है। और अब एक और चीज कि सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, उस कंट्री में इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजें भी होनी चाहिए। मान लो एक कंट्री में बहुत ज्यादा रेसिज्म है, या उधर गर्ल्स और बॉयज को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, या फिर मान लो कि वहां हर गली गली में आतंकवादी रहता है और वॉर जैसी सिचुएशन है, तो चाहे तुम्हें कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो तुम उधर जाना और काम करना पसंद नहीं करोगे। और ये बात तो तुमने सुनी ही होगी, कई लोग यूएसए में 1 करोड़ के पैकेज को लात मार देते हैं और 60 लाख के इंडिया वाले पैकेज को गले लगा लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यूएसए में बहुत रेसिज्म है, वो तुम्हें टीवी और मूवीज में नहीं दिखेगा लेकिन जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा। प्लस हम अपनी फैमिली से भी दूर हो जाएंगे और न जाने कितने फैक्टर्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग दूसरी चीजों को भी देखते हैं। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज्यादा है, पर वहां सिक्योरिटी, फ्रीडम जैसी चीजें नहीं है, इसीलिए उनको डेवलप्ड नहीं कहा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम मिडल ईस्ट कंट्रीज को ले लो। तो चलो एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगर मैंने ज्यादा पढ़ा दिया तो तुम्हारा ब्रेन कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड हो जाएगा और फिर एक्सप्लोजन हो सकता है।
चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।